जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज हम लोग सलीमार प्रोडक्शंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। सलीमार प्रोडक्शंस के पहले इस कंपनी के ऊपर काफी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि ये जिस सेक्टर से बिलोंग करता है ये स्टॉक, उस सेक्टर की काफी डिमांड रहती है और हमेशा वो सेक्टर अपने कह सकते हैं कि एक अच्छे लेवल पे दिखाई देता है। जिस भी किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं उसमें ठीक ठाक पोजिशन बनाए हुए हैं, क्योंकि ये सेक्टर है मीडिया एंड मीडिया प्रोडक्ट्स, यानी कि मीडिया एंटरटेनमेंट के सेक्टर में कंपनी काम काज करते हुए नजर आएगी। सुनने को ये भी आया था कंपनी का खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है, लेकिन अभी तक उसमें बहुत बड़ी तेजी आते हुए नहीं दिखे। ओटीटी प्लेटफॉर्म इन दिनों काफी चर्चा में है और ये अगर इस कंपनी का खुद का हो जाता है तो और भी ज्यादा इस कंपनी के शेयर प्राइस में आपको तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि तेजी आनी शुरू हो गई है, चार्ट पर भी मैं आपको दिखाऊंगा, और तेजी सस्टेनेबल बेसिस पे तेजी ग्रो कर रही है और ये तेजी कुछ दिन तक मजबूत बनी रहेगी। तो इसलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि जिसका इन्वेस्टमेंट है उसको अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, जिसका नहीं इन्वेस्टमेंट है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और सबसे बड़ी सवाल क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों को इस वीडियो में खुलासने की कोशिश करेंगे। जब बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर आप इस स्टॉक को देखते हैं तो आप पाते हैं कि सलीमार प्रोडक्शंस लिमिटेड अभी की कोई भी रेड फ्लैग में नहीं है। यहाँ पे ना तो ईएसएम ना ही जेएसएम की कैटेगरी, यानी कि एक प्रकार से देखें तो जो तीन स्टॉक में सबसे बड़ी दिक्कत होती है शेयर प्राइस में ग्रोथ नहीं आने का कि वो रेड फ्लैग में होते हैं, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। और नोटिफिकेशन में भी आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कंपनी में लगातार पिछले कुछ दिनों से अपर सर्किट आपको लगते हुए दिखाई दे रहा है, और अपर सर्किट लगने के साथ साथ इसका जो वॉल्यूम है और वो भी तेजी के साथ बढ़ते जा रहा है। वॉल्यूम में काफी तेजी है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है कंपनी के शेयर प्राइस में मतलब और ऊपर जाएगा, क्योंकि नए बायर्स इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं, नए बायर्स आ रहे हैं और ये वो जेन्युइन बायर हैं जो होल्ड करने की कैपेसिटी के साथ आ रहे हैं। अब समझिए इसमें ये जो अपर सर्किट लग रहा है इसके बदलाव तो शेयर प्राइस बढ़ ही रहा है। चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट पर किस प्रकार से कंपनी के शेयर प्राइस में कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, और इसके बेसिस पर मैं कह रहा हूँ शेयर प्राइस कुछ दिनों तक लगातार ऊपर जाएगा और मजबूती के साथ ऊपर जाएगा। अब समझिए सलीमार प्रोडक्शंस लिमिटेड का मैंने अभी तक आपको काम बताया है, बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर कंपनी के थोड़े से अपडेट दिए हैं। अभी चार्ट हम लोग बाद में टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे, उसके पहले थोड़ा सा कंपनी का फंडामेंटल का अपडेट ले लेते हैं। देखिए 62 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, 100 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन जैसे टेस्ट करेगा उसके बाद कंपनी एक सेफ जोन में आ जाएगी, यानी कि फंडामेंटल के लिहाज से कंपनी में कोई कमी नहीं रहेगी माना जाता है। 100 करोड़ से ऊपर की जो कंपनी होती है उसको थोड़ा ठीक ठाक समझा जाता है। स्टॉक का पी देखिए 886 के आसपास, इतना महंगा वैल्यूएशन इसलिए है क्योंकि कंपनी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, कंपनी में नए बायर्स आ रहे हैं। जब किसी शेयर्स का डिमांड बढ़ता है तो कंपनी का पीई महंगा हो जाता है, इतने महंगा पीई पे नए बायर इसमें इंटरेस्ट मतलब नहीं बाय करना चाहिए, इसके लिए हमें लेवल निकालना होगा और उस लेवल को देख के हम इसमें अगर हमारे पास किसी जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास कंपनी के शेयर्स नहीं तो वहां पर वो बाय कर सकते हैं। स्टॉक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो आरओसी है माइनस में, यह बढ़िया बात है, और कंपनी का जो शेयर प्राइस अभी बुक वैल्यू से कम है, हालांकि शेयर प्राइस जिस हिसाब से बढ़ रहा है बहुत जल्द बुक वैल्यू से ऊपर हो जाएगा जैसा कि होना चाहिए। अब चलिए सीधे एक साल के चार्ट पर आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं चीजों को। देखिए एक साल के चार्ट पर आपको स्पष्ट दिखेगा कि प्राइस आपको अप ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए आपको दिख रहा है, और ये प्राइस इसलिए भी ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि आप देखेंगे नीचे यहाँ पे डब्लू टाइप का फॉर्मेशन हुआ, डब्लू टाइप का फॉर्मेशन बना के प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी कि एक प्रकार से कैंडलस्टिक पैटर्न को बना के ऊपर जा रहा है। और दूसरा रीजन ये है कि ये जो रेंज बाउंड में फंसा हुआ था 50 पैसा से लेकर 55 पैसा, इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो उसे सस्टेनेबल बेसिस पे कहा जाता है कि इसमें ये जो ग्रोथ आ रहा है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है और ये कुछ दिनों तक लगातार बना रहेगा। और ये तेजी कहाँ तक ऊपर जाएगी मैं बता देता हूँ, ये जो प्रीवियस हाई है कम से कम इसके ऊपर निकला तो इसके डबल, मान लीजिए इसके ऊपर निकला तो ये जो हाई लगाया था केवल 70 पैसा का, तो इसका प्राइस 150 रुपये तक आपको सीधे जाते हुए दिखेगा, और उम्मीद है कि ये बहुत जल्द इस लेवल को तो निकाल ही देगा, और उसके बाद ये सेकंड लेवल है इसको बिजली निकाल के प्राइस आपको 150 रुपये से के 2 रुपए तक बहुत शॉर्ट टर्म में आपको जाते हुए दिखेगा। तो यहां तक लिए आप इसमें जा सकते हैं, टेक्निकल के हिसाब से जो बातें निकल कर सामने ही मैंने आपको बता दी। नए व्यक्ति अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक का पी काफी महंगा है, और ये इसका जो चार्ट आप देख रहे हैं यह भी अपने तकरीबन हाई पे टॉप पे बाय नहीं करते हैं, थोड़ा सा नीचे आएगा, जैसे यहाँ पे प्राइस करेक्ट करके नीचे आएगा तो यहाँ पे कुछ लोगों ने उठाया होगा, इसी तरीके से फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा तो डिप पर आप फिर से बाय कर सकते हैं, जब ऊपर उठेगा तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ तक आप बात समझ गए। अब समझिए कंपनी के जो क्वार्टर्स के नंबर आ रहे हैं वह भी काफी कमाल का आ रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे जो सेल्स हुआ है मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में, क्वार्टर फोर के रिजल्ट में काफी कमाल का हुआ, 1 करोड़ 18 लाख आसपास कंपनी का सेल्स, जो कि पिछले लगातार कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो कभी नहीं हुआ है जितना इस बार के क्वार्टर्स में, यानी कि कंपनी के सेल्स में बढ़ोतरी होने लगी है, और सेल्स बढ़ने के साथ साथ कंपनी का जो
प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। देखिए 57 लाख के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले कई सालों में कंपनी को कभी नहीं हुआ, इस बार मार्च क्वार्टर रिजल्ट में हुआ। यानी कि एक दर्शाता है कंपनी का जो फंडामेंटल है यह भी एक मजबूती के साथ ग्रो कर रहा है, और इसलिए कह सकते हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस में भी अब जो तेजी आ रही है वो जेन्यून तेजी है, और ये लगातार ये तेजी बनी रहेगी। यहाँ पर जो आप देखते हैं इन्वेस्टर्स में, तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अभी इसमें है तकरीबन 6% के आसपास। ऐसा नहीं है कि पूरा शेयर पब्लिक के पास पड़ा हुआ है, इसमें ठीक ठाक मात्रा में प्रमोटर्स हैं। तो शालीमार प्रोडक्शन में आपका इन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए। देखिए सेक्टर वाइज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो पर रिस्क नहीं रहता है, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये जो सेक्टर की कंपनी है इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना बनता है। जो लेवल बताए हैं इस लेवल का ध्यान रखिएगा, बाकी मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा, और याद रखिएगा मैं हूँ हिमांशु कुमार और हम सब हैं सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।